नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th साइंस। इसमें हमने इसका एक पार्ट हमने पहले बना लिया है, इसको मैंने आपको भेज दिया है वन पार्ट। आज हम अनदर पार्ट देखेंगे। इस पार्ट में आज पढ़ेंगे, इसके पहले हमने क्या पढ़ लिया, इसके पहले हमने मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली। फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, यानी मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने हम अलग अलग टाइप से पढ़ेंगे। पहला हमने देखा, पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी, व्हाट हैपेंड व्हेन मेटल्स बर्न इन एयर, यानी क्या होता है जब हम मेटल को एयर में बर्न करते हैं, जलाते हैं। ठीक है, तो एयर की प्रेजेंस में मेटल को बर्न करने पर क्या प्रोड्यूस होता है। तो यदि हम देखें यहाँ पर क्या कि मेटल प्लस हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, यानी मेटल को यदि हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करें तो क्या प्रोड्यूस होगा, मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, मेटल ऑक्साइड जो है बनेगा, तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। उसके बाद में इसके हम पहले हम इसके यदि हम बात करें प्रीवियस चैप्टर की, यानी पहले चैप्टर की बात करें, तो पहले चैप्टर में भी हमने देखा था कि मैग्नीशियम रिबन को हम एयर की प्रेजेंस में बंद करने थे तो व्हाइट कलर का पाउडर गिरता था। ठीक है, व्हाइट कलर का पाउडर गिरता था, उसके बाद में जो है वो व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न होता था मैग्नीशियम। ठीक है, तो हमने इसके बारे में पहले भी देखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस किया, उसके बाद में हम अलग अलग मेटल को बर्न करेंगे और देखेंगे कि क्या सारी मेटल जो है वो एक जैसी बर्न होती है या अलग अलग टाइप से बर्न होती है या कोई बर्न होती है कि नहीं होती है, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो इसमें यदि हम देखते हैं तो जो मेटल होती कौन सी, सोडियम एंड पोटेशियम। ये जो मेटल होती है सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो विगोरसली, ये क्या करती है, बहुत ही तीव्र गति से अभिक्रिया करती है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, कौन कौन सी, आपकी मैग्नीशियम एंड सॉरी आपकी सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, सो विगोरसली ठीक है विद ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से रिएक्शन करती है। उसके बाद में एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, यानी एक साधारण ताप पर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक एंड लेड, इन मेटल के ऊपर क्या होता है, एक थीन लेयर क्रिएट हो जाती है। ठीक है, पतली परत जम जाती है किसकी, ऑक्साइड की। ठीक है, तो ऑक्साइड की एक थीन लेयर इनके ऊपर जो है वो कोटेड हो जाती है, किनके ऊपर, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक एंड लेड के ऊपर। ठीक है, एक नॉर्मल टेम्परेचर पर। उसके बाद हम देखते हैं कि जो आयरन होता है, यदि आयरन की बात करें, एफई आयरन की, तो आयरन जो होता है वो आयरन को हम यदि बर्न करें, हीट करें, तो बर्न नहीं होता है, बट यदि हम उसको फ्लेम पर बर्न करें और उसमें क्या डालें, आयरन फिलिंग डालें, तो वो विगोरसली बर्न होता है, यानी तेजी से बर्न होता है। कौन, आयरन। फ्लेम पर यदि उसको बर्न करें, हम फ्लेम पे करेंगे और हम क्या डालेंगे, आयरन फिलिंग डालेंगे, तो बर्न होगा वो। उसके बाद में कॉपर को देखते हैं, तो कॉपर डज नॉट बर्न विगोरसली, ये कॉपर जो है वो जल्दी से जलता नहीं है, बर्न नहीं होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, उसके बाद हम देखें, लेकिन भाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तेजी से बर्न नहीं हुआ, लेकिन यदि ये हीट फॉर्म में होगा, यानी गर्म होगा, तो गर्म होने पर इसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड की लेयर जम जाएगी। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी इसके ऊपर, कॉपर के ऊपर, कब, हीट फॉर्म में, यानी गर्म रहेगा तब। ठीक है, उसके बाद सिल्वर गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, और ये जो दो मेटल है आपकी सिल्वर एंड गोल्ड, ये तो रिएक्शन करती ही नहीं है, डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर, यानी आप यदि हाई टेम्परेचर भी कर दो, यानी टेम्परेचर बढ़ा दो, तो भी सिल्वर और गोल्ड रिएक्शन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चला, क्या पता चला, कि किस प्रकार से जो है मेटल्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होती है, सभी अलग अलग टाइम उनका जो बर्न अलग अलग टाइप से होती है, कोई जल्दी होती है, कोई लेट होती है, कोई बर्न नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने देखा
इस एक एक्टिविटी में अब आगे और देखते हैं इसकी अनदर एक्टिविटी। हम देखेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ मेटल किस प्रकार से रिएक्शन करती है। यदि हम देखें मेटल मेटल जो है वो वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाती है, तो मेटल प्लस वाटर रिएक्शन हुआ, क्या बना, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई। ठीक है, ये मेटल ऑक्साइड जो है सोल्यूबल फॉर्म में होता है वाटर में, ये मेटल ऑक्साइड जो है मेटल ऑक्साइड फिर वाटर से रिएक्शन करता है, क्या बना लेता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। यानी क्या चीजें बनती है, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी, इससे जब मेटल वाटर से रिएक्शन करेगी तब। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है। तो हम सारे मेटल्स को देखेंगे वन बाय वन। तो हम देखते हैं कि जो मेटल होती है कौन कौन सी, सोडियम, कौन सी मेटल, सोडियम एंड पोटेशियम, ये वाटर के साथ कोल्ड वाटर ठंडे पानी के साथ जो है वो फास्ट रिएक्शन करती है, सो वायलेंट रिएक्शन शो करती है, सो वायलेंट रिएक्शन शो करती है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है जो कि एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है यानी यहाँ पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिससे हाइड्रोजन कैच फायर इमीडिएटली, यानी जिससे हाइड्रोजन कैच फायर यानी आसानी से आग पकड़ लेता है बहुत जल्दी। ठीक है, किस लिए आग पकड़ लेता है, किस लिए कैच फायर इजीली हो जाता है, यहाँ पर क्या निकलता है, हीट एनर्जी निकलती जो कि हाइड्रोजन में आग लगा देती है, हाइड्रोजन जो है वो कैच फायर हो जाता है इमीडिएटली, किस कहा, जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करता है तब, कोल्ड वाटर के साथ। उसी प्रकार पोटेशियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है एंड हाइड्रोजन गैस कैच फायर इमीडिएटली, यानी ये आसानी से आग पकड़ लेती है हाइड्रोजन गैस यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये दोनों मेटल ने कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर ली, कौन से वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ और ठंडे पानी के साथ। इसीलिए कभी कभी आपने देखा होगा मैजिक करने वाले जो जादू करने वाले होते हैं, वो मैजिक करने वाले क्या कहते हैं कि देखना मैं अभी ठंडे पानी में आग लगा दूंगा, तो ठंडे पानी में आग कैसे लगाते हैं, वो सोडियम और पोटेशियम मेटल को डाल देते हैं, उससे निकलेगी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी और एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ये एनर्जी हाइड्रोजन में क्या करेगी, कैच फायर करवा देगी, यानी आग पकड़, इससे क्या होगा, हाइड्रोजन आग पकड़ लेगा और जलने लगेगा ठंडे पानी के ऊपर। तो ये होता है यहाँ पर जब सोडियम और पोटेशियम को ठंडे पानी में डाला जाता है तब। ठीक है, तो इस टाइप से जो है ये रिएक्शन होती है। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम जो है वो कोल्ड वाटर में रिएक्शन करता जरूर है लेकिन यहाँ पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है। क्या नहीं होती, हीट एनर्जी जो कि यहाँ पर हो रही थी वो यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होती है, करता जरूर है रिएक्शन कोल्ड वाटर से कैल्शियम, बट यहाँ पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, तो हाइड्रोजन कैच फायर नहीं होता है। ठीक है, हाइड्रोजन आग नहीं पकड़ता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो कैल्शियम होता है इसके चारों तरफ स्टिकिंग बबल्स, ठीक है, इसकी सरफेस पर बबल्स स्टिकिंग हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, यानी चारों तरफ बबल्स इकट्ठा हो जाते हैं, और आपको पता है कि जिस चीज पर बबल्स इकट्ठे हो जाएंगे तो ये क्या करेगा, कैल्शियम जो वाटर में है पानी में, ये कैल्शियम क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, और लाइट वेट होने के कारण ऊपर फ्लोटिंग करने लगेगा, तैरने लगेगा, कौन, कैल्शियम। ठीक है, हाइड्रोजन निकलती जरूर है लेकिन बबल्स के फॉर्म में स्टिक हो जाती है इसकी सरफेस पर, किसकी सरफेस पर, कैल्शियम की, जिससे कैल्शियम लाइट वेट हो जाता है और कैल्शियम क्या होगा, फ्लोटिंग करने लगेगा ऊपर। बट एल्यूमिनियम आयरन कैन नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, ये दोनों कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, और उसके पहले यहाँ पर हम देखें कैल्शियम के बाद देखें तो मैग्नीशियम में आता है, तो मैग्नीशियम जो होता है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, बट यदि हॉट वाटर हो, हॉट वाटर, तो उससे रिएक्शन करेगा, और उसी प्रकार जैसे कैल्शियम के स्टिकिंग बबल्स जो स्टिकिंग हो जाते हैं बबल्स सरफेस पर, वैसे ही हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम को हॉट वाटर में यदि हम डालें तो इसके भी चारों तरफ स्टिकिंग बबल्स जो है वो हो जाएंगे और ये भी लाइट वेट हो जाएगा और ऊपर फ्लोट करने लगेगा, कहाँ पर, हॉट वाटर के ऊपर। ठीक है,
तो ये कोल्ड वाटर में फ्लोटिंग करेगा, ये हॉट वाटर में फ्लोट करेगा, तैरेगा। बट एल्यूमिनियम एंड आयरन कैन नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे। ठीक है, ये दोनों ये क्या करेंगे, ये करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो गैस H2, हमने गैस फॉर्म में लिया, यानी वाष्प भाप स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे। ये पानी की, जो पानी की वाटर की स्टीम होती है उसके साथ ये दोनों रिएक्शन करेंगे, स्टीम के साथ। और क्या बनाएंगे यहाँ पर, यहाँ पर स्टीम के साथ रिएक्शन करके ये बनाएंगे आपके मेटल ऑक्साइड, और आपके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन रिमूव होती है इनमें। ठीक है, दोनों में। तो यहाँ पर हमने देखा कि कोल्ड वाटर के साथ कौन रिएक्शन कर लेता है, ये दोनों, ये तीनों। ठीक है, ये दोनों तो आग ही पकड़ लेते हैं, बट ये आग नहीं पकड़ता, फ्लोट करने लगता है हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम। बट ना, जो है आपका एल्यूमिनियम आयरन कैन नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एज वेल हॉट वाटर, यानी ना तो ठंडे से ना ही गर्म से रिएक्शन करते हैं दोनों, लेकिन किससे करते हैं, स्ट्रीम से करते हैं, भाप से करते हैं। उसके अलावा आपकी जो अनदर मेटल्स बच गई है, कौन कौन सी, गोल्ड है, एजी है, सिल्वर है, ठीक है, एंड लेड है, ये तो ना तो कॉपर है, ये ना तो हॉट वाटर ना ही कोल्ड वाटर और ना ही स्टीम से रिएक्शन करते हैं। ठीक है, इसी से नहीं रिएक्शन करते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं, ये दूसरा था हमारा, और इसके आगे अब हम देखेंगे व्हाट हैपेंड व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। तो मेटल जो होती है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके, मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करके साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो जो मेटल होती है डाइल्यूट एसिड के साथ क्या क्या प्रोड्यूस करती है, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे मेटल्स जो है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती है, कुछ मेटल कर लेती है, जैसे आपकी मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। मैग्नीशियम एंड मैग्नीज जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ भी, वेरी डाइल्यूट यानी बहुत कम, वेरी डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्शन कर लेती है मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। लेकिन बहुत सारे मेटल जो है वो रिएक्शन नहीं करती है। यदि हम एसिड के साथ रिएक्शन देखें बहुत सारी मेटल का, ठीक है, तो हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा रिएक्शन करती है कौन, आपकी मैग्नीशियम, फिर आपकी एल्यूमिनियम, फिर आपकी जिंक, और फिर आपकी आयरन। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करती है मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक एंड फिर आयरन। लेकिन हम देखें कॉपर Cu, तो कॉपर जो होता है कैन नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, ये डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है। सबसे ज्यादा रिएक्शन कौन करती है, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक एंड फिर आपकी आयरन। ठीक है, उसके बाद एक होता है एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया, एक्वा जो होता है उसको बोला जाता है रॉयल वाटर इन लैटिन, लैटिन भाषा में क्या बोला जाता है, रॉयल वाटर। तो ये रॉयल वाटर जो होता है मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेट HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, ये कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है, जो कि 3:1 में इसको प्रिपेयर किया जाता है, 3:1 में इसको बनाया जाता है एक्वा रेजिया। ठीक है, ये क्या होता है, ये जो एक्वा रेजिया होता है, ये जो होता है ये क्या करता है कि गोल्ड एंड प्लेटिनम जैसी मेटल को भी क्या कर देता है, डिजोल्व कर देता है, यानी उनको भी ये गला देता है। कौन, एक्वा रेजिया, रॉयल वाटर जिसको कहते हैं, जो कि कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेट HNO3 के 3:1 में प्रिपेयर किया जाता है, फ्रेश वाटर, फ्रेश होता है ये, फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो होता है क्या करता है, गोल्ड एंड प्लेटिनियम जैसी मेटल को भी क्या कर देता है, डिजोल्व। ठीक है, इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि कहीं गाँव में लोग घूमते हैं कि आपके
सोने चांदी को चमका लीजिए, ठीक है, इसमें जो मैल है उसको हम हटा देंगे। तो ये क्या करते हैं, इसको हटाने के चक्कर में, चमकाने के चक्कर में, उसको शाइनिंग करने के चक्कर में क्या करते हैं कि एक्वारेजिया सॉल्यूशन में इनको डाल देते हैं। गोल्ड को डाल दिया, उसकी ऊपर की लेयर निकल जाती है, तो ऊपर की लेयर निकल जाने के बाद वो तो यूं ही साइनिंग उसकी साइनिंग सरफेस आ जाती है, जिससे वो साइन मारता है। तो इसलिए हमें सावधानी रखनी है कि ऐसे लोगों को हम गोल्ड और हमारे घर के ऑर्नमेंट्स जो होते हैं, जो ज्वेलरी होती है, वो नहीं दें, क्योंकि ये उसको चमका तो देंगे लेकिन उसका वेट कम कर देंगे, उससे जो ऊपर का गोल्ड है वो क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा सॉल्यूशन में, ठीक है। तो कई बार ऐसे लोग जो है इनसे ठगा गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, एक बार एशिया जो होता है रॉयल वाटर, जो कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड से 3SO1 में बनाया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर हमने देखा, क्या देखा हमने, विथ एसिड यानी मेटल की रिएक्शन विथ एसिड के साथ देखी, और देखा कौन सी मेटल जो डायल्यूट रिएक्शन डायल्यूट एसिड के साथ जल्दी रिएक्शन करती है, फास्ट रिएक्शन करती है, ठीक है। आगे और हम देखते हैं प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी है उसमें हम देखते हैं, हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट, ठीक है। अदर मेटल्स के साल्ट सॉल्यूशन में किस प्रकार से रिएक्शन करती है मेटल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि मेटल वन ले लिया हमने, ठीक है, और दूसरा मेटल बी जो उसका साल्ट सॉल्यूशन ले लिया मेटल बी का, तो दोनों में रिएक्शन यदि होती है तो यहाँ पर क्या होता है कि बी मेटल जो है वो ए मेटल जो है वो साल्ट सॉल्यूशन के साथ अटैच हो जाती है, और बी मेटल क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, फ्री हो जाती है। यदि इसको हम एग्जांपल के थ्रू देखें, यहाँ पर हम देख लेते हैं एक मेटल ले लिया हमने जेड एन जिंक, ठीक है, उसके बाद प्लस साल्ट सॉल्यूशन ले लिया मेटल बी का, यानी मेटल बी कॉपर, जिसका साल्ट सॉल्यूशन हमने ले लिया कॉपर सल्फेट, ठीक है। उसको हमने रिएक्शन दोनों की करवाई, यहाँ पर क्या हो गया, जेड एन एस ओ फोर जिंक सल्फेट बन गया और प्लस कॉपर फ्री हो गई, ठीक है, ये कॉपर फ्री हो गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस मेटल ने, ये जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होती है, आपने देखा होगा चैप्टर नंबर 1 में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो वही यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, क्यों हाई बट क्यों किया, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यानी जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, इसलिए जिंक ने कॉपर को हटा दिया और जिंक कॉपर की जगह क्या आ गया, जिंक आ गया, ठीक है। तो इस रिएक्शन से हम ये भी बता सकते हैं जो है रिएक्टिविटी, कि कौन मेटल किस मेटल से कितनी रिएक्टिव है। जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगी वो अनदर मेटल के साल्ट सॉल्यूशन से उसको क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी। तो यहां से हमें पता चल गया कि जिंक इज अ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यानी जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो इस प्रकार सारे मेटल का हम पता लगा लेंगे, ठीक है, कि कौन सी मेटल किस मेटल से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें जो है, हमने देखा कि जो मेटल होती है वो अनदर मेटल के साल्ट सॉल्यूशन से किस प्रकार से रिएक्शन करती है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया, इसके द्वारा हम क्या बता सकते हैं, रिएक्टिविटी बता सकते हैं मेटल्स की, कि कौन मेटल किस मेटल से, कौन सी मेटल किस मेटल से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। आगे और देखते हैं हम, ये सारी प्रॉपर्टी देखने के बाद क्या क्या प्रॉपर्टी, व्हाट हैपेंड व्हेन मेटल आर बर्निंग एयर, व्हाट हैपेंड व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर, व्हाट हैपेंड व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड्स, हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट्स, ये चारों एक्टिविटी करने से हमें क्या मिला। हर इन चारों एक्टिविटी को जो हमने की है, प्रॉपर्टी हमने मेटल्स की देखी, केमिकल प्रॉपर्टी जो देखी, इससे हमें क्या मिला, हमें मिला रिएक्टिविटी सीरीज में, कि कौन सी मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सी लिस्ट रिएक्टिव है, कौन मॉडरेट है, कौन जो है मध्यम है। तो सबसे हमें पता चला कि जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल आपकी कौन सी हुई, पोटेशियम एंड सोडियम, मिडिल मॉडरेट, उसके बाद में सबसे लिस्ट यदि हम देखें तो सबसे नीचे नाम आता है AU गोल्ड, जिसको गोल्ड, सिल्वर, आपकी मरकरी, कॉपर, ठीक है। तो हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज, ठीक है, रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज, यानी मोस्ट रिएक्टिव मेटल पोटेशियम एंड सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, आपका सिल्वर और गोल्ड, इस प्रकार से रिएक्टिविटी घटती जाती है, ऊपर हमें मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स मिलती है। तो ये हमें रिएक्टिविटी सीरीज भी मिली, और इस प्रकार से हमने मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी भी देख ली, ठीक है।
आज इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे, और बाकी का जो बचा हुआ है इस चैप्टर का वो हम नेक्स्ट पार्ट में उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।